पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और उसके कोएफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशन होता है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.6 के पहले पांच क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें हमारे पास यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 3x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसमें हमारे पास 6 पार्ट्स दिए गए हैं, उनमें से मैं एक कर देता हूं, बाकी में बिल्कुल वही मेथड यूज होना है। पहला पार्ट है कि वैल्यू फाइंड करें 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो आप ये करें कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करें। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, इक्वेशन हमारे पास है 3x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास होता है माइनस ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स विच इज हेयर माइनस 2 डिवाइड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज हेयर 3। सो दिस विल बिकम 2 ओवर 3 एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म विच इज 4 हेयर डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 3। सो दिस इज इक्वल टू 4 ओवर 3। सबसे पहला स्टेप हमने ये कर लिया कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि जिस चीज की भी हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी उसको ऐसे तरीके से सिंप्लीफाई करें कि वो हमारे पास इस फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ जाए, कि वो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की फॉर्म में आ जाए। सो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जिसको इस तरीके से लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है अगर हम इसको ओपन करेंगे स्क्वायर को तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सो उस प्लस 2 अल्फा बीटा को खत्म करने के लिए यहां पे माइनस 2 अल्फा बीटा, ये सिंपल बेसिक अलजेब्रा से है। देन हम यहां पे अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है 2/3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/9 माइनस 8/3 डिवाइडेड बाय 16/9। ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 24 बाय 16, जो कि हमारे पास हो जाएगा माइनस 20/16 विच इज इक्वल टू माइनस 5/4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर माइनस 5/4। सिमिलरली बाकी पार्ट्स को भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यूज तो आ गई, ये एक स्टेप तो अब आपका हो गया, सारे पार्ट्स में यही यूज होगा।
देन उसके बाद जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हमने रिड्यूस करके इस फॉर्म में लेके आना है कि वो सिर्फ हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में अपीयर हो, और फिर वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट वन प्लस एल्फा इंटू वन प्लस बीटा इज इक्वल टू वन माइनस सी। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। जैसा कि हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स हमारे पास होता है माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास कोफिशेंट ऑफ एक्स है माइनस पी, माइनस पी और कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वन, तो ये हमारे पास हो जाएगा पी। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है माइनस पी माइनस सी, सो माइनस पी माइनस सी डिवाइडेड बाय वन विच इज इक्वल टू माइनस पी माइनस सी। अब हमने प्रूव करना है वन प्लस एल्फा इंटू वन प्लस बीटा इज इक्वल टू वन माइनस सी। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं कि वन प्लस एल्फा इंटू वन प्लस बीटा, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा वन प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा। अब ये इक्वेशन वन टू, वन एंड टू से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यूज हैं वो हम इस इक्वेशन थ्री में पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम पी को पुट कर देते हैं जो कि उसकी वैल्यू है, और अल्फा बीटा की जगह पे माइनस पी माइनस सी। ये हमारे पास हो गया वन प्लस पी माइनस सी, प्लस पी माइनस पी के साथ कैंसल, तो पीछे हमारे पास बच गया वन माइनस सी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमने प्रूव कर दिया कि वन प्लस एल्फा इंटू वन प्लस बीटा इज इक्वल टू वन माइनस सी। देन इज द क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री इज फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो इज, फर्स्ट पार्ट इज डबल द अदर। ये जो क्वेश्चन है इसके चार पार्ट्स हैं, चारों में हमने कंडीशन फाइंड करनी है। अब इसमें दिया गया है कंडीशन फाइंड करें जब हमारे पास एक रूट दूसरे का डबल होगा। इसी तरह से दूसरे पार्ट्स हैं जिनमें हमारे पास एक रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है, इनवर्स है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे,
हम लेट कर लेंगे कि अल्फा एंड बीटा जो हैं वो हमारे पास रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन के। अब इसमें उसने बता दिया कि उस वक्त कंडीशन फाइंड करें जब एक रूट दूसरे का डबल होगा। अगर एक हम अल्फा लेते हैं तो दूसरा हमारे पास टू अल्फा होगा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा। अब ये हमारे पास रूट्स हैं और हमने कंडीशन फाइंड करनी है कि कब हमारे पास एक जो रूट है वो दूसरे का डबल होगा। तो सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स फाइंड करें हम इस इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस टू अल्फा, वो हमारे पास हो जाएगा माइनस पी ओवर वन विच इज इक्वल टू माइनस पी, दिस इज वन। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें, अल्फा इंटू टू अल्फा जो कि हो जाएगा हमारे पास टू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर वन और इज इक्वल टू क्यू। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इस इक्वेशन वन में से अल्फा की वैल्यू निकाल के टू में पुट कर दें या टू से निकाल के वन में पुट कर दें। हम वन से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और इस टू में पुट कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा थ्री अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी और अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी बाय थ्री। ये जो वैल्यू है अल्फा की इक्वेशन थ्री में, ये हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन टू में जो कि हमारे पास है टू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अल्फा की जगह पे हम माइनस पी ओवर थ्री पुट कर देंगे, टू इंटू माइनस पी ओवर थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, ये हमारे पास बन जाएगा टू इंटू पी स्क्वायर ओवर नाइन इज इक्वल टू क्यू और टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू, विच इज द कंडीशन दैट वन रूट इज डबल ऑफ द अदर। इस तरह के बाकी जो पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए हमने रूट्स पहले लेट कर लेंगे, अल्फा एंड बीटा जो हैं वो रूट्स हैं। उसके बाद उसने हमें बताया हुआ होगा कि दूसरा जो रूट है वो पहले रूट का डबल है या स्क्वायर है या इनवर्स है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो जो उसने कंडीशन दी गई होगी उससे हम दूसरा जो रूट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स में से अल्फा की वैल्यू निकाल के वो हम दूसरी जो इक्वेशन होगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। इस तरह के बाकी जो तीन पार्ट्स हैं उनको आप खुद करेंगे। देन इज द क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर भी बिल्कुल उसी तरीके का है जिस तरीके की हमने क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर इज इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू डिफर बाय यूनिटी, प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन। अब उसने हमें एक कंडीशन बता दी कि उसके जो रूट्स हैं वो डिफर करते हैं बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी का मतलब यह है कि अगर एक हमारे पास अल्फा है तो दूसरा हमारे पास अल्फा माइनस वन होगा।
अब ये दो रूट्स हैं हमारे पास अल्फा एंड अल्फा माइनस वन। बिल्कुल उसी तरीके से हम पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, तो ये हमारे पास हो जाएंगे अल्फा प्लस अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स, दैट इज माइनस पी, माइनस पी डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज वन। ये हमारे पास हो जाएगा पी, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू पी। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज वन, दिस इज इक्वल टू क्यू। और ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्यू। अब हम उसी तरीके से इक्वेशन वन में से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और टू में पुट कर देंगे। अगर हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस वन बाय टू। ये जो वैल्यू है अल्फा की, ये हम इस इक्वेशन नंबर टू में अल्फा की जगह पे पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी पी प्लस वन बाय टू स्क्वेयर माइनस पी प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू क्यू। सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू पी डिवाइड बाय फोर माइनस पी प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू क्यू। सिंप्लीफाई कर लें तो यहां से हमारे पास फोर एलसीएम आ जाएगा, दिस विल बिकम पी स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू पी माइनस टू पी माइनस टू इज इक्वल टू क्यू। प्लस टू पी माइनस टू पी के साथ कैंसल, प्लस वन माइनस टू माइनस वन, ये हमारे पास हो गया पी स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू फोर क्यू। और पी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन, यही हमने प्रूव करना था कि पी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन। सिंपली हमने क्या किया, जो उसने कंडीशन बताई हुई थी कि दो जो रूट्स हैं डिफर बाय यूनिटी करते हैं, वो हमने लेट कर लिए, एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा माइनस वन है, वहां से सम ऑफ द रूट्स को फाइंड कर लिया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड कर लिया। सम ऑफ द रूट्स में से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमने उसको पुट करके सॉल्व किया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो कंडीशन आ गई जो हमने प्रूव करनी थी। देन द क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव भी बिल्कुल उसी तरीके से है कि फाइंड द कंडीशन दैट ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू फाइव मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अब यहाँ पे छोटा सा एक ट्रिक है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दी गई। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इक्वेशन है a ओवर x माइनस ए प्लस बी ओवर x माइनस बी इज इक्वल टू फाइव। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन सारी टर्म्स को हम x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 6 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 7 ए बी इज इक्वल टू जीरो। ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद करेंगे। अब उसके बाद जो है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, एक रूट हमारे पास हो जाएगा अल्फा और दूसरा हमारे पास हो जाएगा माइनस अल्फा। अगर हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करें अल्फा
माइनस अल्फा, वो हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 5। अल्फा माइनस अल्फा हमारे पास 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 5 और a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.6 के पहले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इससे अगले लेक्चर में हम अगले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें भी हमारे पास यही टेक्निक्स यूज होती हैं, या हमारे पास अगर हमें कोफिशिएंट्स दिए गए हों तो उससे हमने इक्वेशन किस तरीके से बनानी है, या रूट्स दिए गए हों तो उससे इक्वेशन किस तरीके से बनानी है।